यकीन तुझे आपसे मिलने की सबब क्या बड़ा मैंने इसको जिक्र किया तो उसने फौरन कहा कि मैंने मिलना है सब आपको पता ही है आयशा का हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आप कैसी हैं आप लाहौर आई नहीं आप मेरे प्रोग्राम में आई ना किसी दिन मैं जरूर आऊंगी इंशाल्लाह तो लाहौर के बड़े चक्कर लगते रहे हाँ जी जरूर चलें अभी कब तक है अभी तो मैं आज जा रही हूँ इस्लामाबाद मेरे कुछ काम है अच्छा वो बस फिर इंशाल्लाह एक दो दिन के बाद फिर चक्कर लगाऊंगी अच्छा सही लेकिन लिस्ट आप लोगों ने मुझे देनी है मैं मार से पूछती हूँ ना कि उसके जहन में क्या था जब उसने ये डिस्कस किया है तो असल में आपको पता है कि पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं इसमें जैनब है फरीदा है ख़वातीन की मैं जो बात कर रही हूँ और उनके कॉन्टैक्ट्स मैं आपको दे सकती हूँ बिल्कुल लेकिन ये है कि मेरा अपना जो है ना वो मैं अभी बहुत ही ये सोच के काम करने वाला है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दें मैं मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कर पाऊँगी बिकॉज इलेक्शन का जो मेरे सर पर इस वक्त लोड है और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज्जत दी है उस इंसल्ट के बाद नो डाउट कि उस वक्त मैं बड़ी जलील हुई थी जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था और बड़े लोगों ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की थी नहीं आपके लिए आई है मैं तो अभी मुझे वहाँ पर मिली ठंडी तो नहीं होगी सब चेक कर लें हमेशा ठंडी चाय मिलती है यहाँ पर सबा ने मेरे ख्याल से 6 साल पहले के 5 साल पहले मेरा पहला प्रोग्राम किया हाँ था जी मेरी और आपकी तो काफी पुरानी है ना बहुत पुरानी हाँ है नो डाउट मैं तो सीमा को कह रही हूँ कि बस ये झूठी उम्मीदें छोड़ दें ठीक है ना झूठी उम्मीदें वो ठीक है आपकी बात बिल्कुल एक बस मुझे मुझे बड़ा अच्छे तरीके से पता है इनका मेरे साथ आ जाए आपका क्या ख्याल है कि ये वाकई है मेरा रिजर्व सीट में नाम नहीं लगा मुझे नहीं लगता क्योंकि जिस तरीके से इनकी मेंटेलिटी है जो जिस तरीके से आप इनका जहनीत है मुझे खान साहब की जहनीत का भी बड़े अच्छे तरीके से पता है तो यहाँ पे तो अब सरमायादार मालदार और जो सीजन पॉलिटिशियन है उनकी फैमिली सीजन को तो हटा दिया ना मालदार को तो जहीर तरीन साहब को तुफारी कर दिया उनके पार्टी में जो उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है ना वो तो होंगे पार्टी में इमरान खान का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो है या नहीं वो गद्दा है जाने खड़े होंगे हमेशा अच्छा आपका ख्याल है कि उसको भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा ट्वीट किया इसके यही बात भी पूछ रही थी ना आप वो तो मैंने लिखा है कि इस तरह करें मेरे साथ आएं और अब तवक्कुल अल्लाह करें बिस्मिल्लाह करें मेरे साथ आएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो आधी पार्टी है वो तो खाली होगी मेरे पास आ जाएगी आप नाम क्या रख रही हैं आप नई पार्टी करवा रही हैं मैं नाम रख रही हूँ खवातीन के नाम अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुलाले अच्छा गुलाले ये नाम जी, अच्छा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी अच्छा जी हाँ जी वही मैं कहती ना कि कुछ जी टाइप नाम से जिस तरीके से सारी अब मुस्लिम लीग जो है वो PMLN ही बन गई है सब लोग PMLN ही से उसको कहते हैं तो अब ये इंशाल्लाह देखेंगे आगे यही चीज़ होगी आपको सपोर्ट है और खवातीन बहुत सारी आएंगी सपोर्ट तो मुझे काफ़ी लोगों की तरफ से है लेकिन पंजाब में मुझे आपने बताना है कि फला फला लोग नाराज हैं बेटर हो देंगी तो आपने उनको जमा भी करना है और बस बिस्मिल्लाह करें और मेरे साथ आएं मैं आपको आई डोंट थिंक सो कि इस पार्टी में जो रिस्पेक्ट जो खवातीन को देनी चाहिए वो आपको मिलेगी आई डोंट थिंक सो आई प्रेडिक्ट पर अल्लाह ताला ने अभी तो बड़ी करम नवाजी की हुई है स्पेशली कैबिनेट में आ मैं असल में यकीन करें कि अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात होती ना आप बिलीव करें तबका छोट रही होती मैंने उस इंटरव्यू में भी ये बात की थी I swear to God कि अब मैं अगर किसी की वजह से हूँ तो he is only one सरवर साहब लेकिन वो तो खुद नाराज बैठे हैं नहीं नहीं उनका था मैंने उनसे कहा था उन्होंने कहा था कि वो लंदन जब चले गए थे ना आज से कोई 2 माह पहले उनका प्रोग्राम ही था वापस आने का तब उनका था कि वो शायद पार्टी छोड़ दें मेरी उनके साथ अक्सर बात होती रहती थी तब मैंने सरवर साहब से कहा था सरवर साहब अगर आप किसी पार्टी में ज्वाइन करते हैं या अपनी कोई अनाउंस करते हैं मैं आपके साथ क्योंकि उसके इससे पहले भी मैं ट्रेनिंग सरवर साहब की कराती रही हूँ पॉलिटिकल ट्रेनिंग मैं मास्टर पॉलिटिकल ट्रेनर भी हूँ या आपकी ये बड़ी नई बात होगी और आई एम ओनली वन इन ऑल ओवर पॉलिटिकल कि कोई खातून अभी तक ऐसी नहीं है इवन मर्द भी जो पॉलिटिकल ट्रेनर हो तो सरवर साहब ने फिर मुझे ये ट्रेनिंग की थी उन्होंने कहा था देखो सीमा लाहौर में नहीं इसको डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा ज़रूरत है फिर सरवर साहब ने ही मुझे तमाम डिस्ट्रिक्ट पे भेजा था मैंने वो ट्रेनिंग दी उसे वो बहुत खुश हुए उसके बाद फिर उन्होंने कहा असीमा अब तो मेरे लिए तो अब यकीन करें कि मैं अब अगर काम कर रही हूँ तो सरवर साहब के लिए काम कर रही हूँ ठीक है और इसके लिए जो है वो जो मैं सुन रही हूँ इस नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर ये भी मुझे पता चला है कहीं से कि अगर पीटी आती है तो उनका अब रोल ये होगा तो मुझे तो सिर्फ ये है आपके कि सरवर साहब का मसला अब जहाँ भी होंगे मुझे चलें
सिर्फ ये मुझे बस है बस मैं चाह रही थी कि आप मैं इन्विटेशन दे दूँ पर्सनली बाकी आपकी अपनी मर्जी है लेकिन आई वुड हैव रियली अप्रिशिएटेड यू ऑन बोर्ड विद अस और प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरे साथ बैठी हुई थी और सेंट्रल कैबिनेट में मेरे साथ होती उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं किसी को भी नहीं कहना मैं शायद अपने हस्बैंड को भी ना बताऊं लेकिन मैं सर्वर साहब से जरूर डिस्कस करना चाहूंगा सिर्फ